आज मैं लेकर आई हूँ मेरी वीकली शॉपिंग फ्रूट्स एंड वेजिस। ये 4 या 5 यूरो, 4 तो मैंने मिक्स करके भर, और ऊपर से डबल रेट भी मिलता है। इसकी शॉपिंग की है ना वो इंडिया के रुपए बनता है। तीखी मिर्ची है ये, तो मैं इतनी सी जितने प्लेग्राउंड नया बन, मेरे को तो ऐसे लग रहा है मैंने खुद क्यों नहीं बनाया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब गुड हैं। सुबह के बज गए हैं 10, तो चलते हैं मार्केट पहले सब्जियां लेने। अरमान गया स्कूल, अलीजावलीन भी, मैंने कहा आज उसको साथ लेकर नहीं जाएंगे, वो थक जाता है बेचारा बगी में बैठा बैठा ना, तो हम लोग जल्दी से जाएंगे और वापस आ जाएंगे। आज फ्राइडे है, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश भी नहीं है, धूप निकली है, सफाई वाले आ गए हैं, वो कर देंगे स्ट्रीट की सफाई और हम लोग चलते हैं लेने सब्जियां। नॉर्मल हम लोग बाहर पार्किंग करते हैं गाड़ी, पर यहाँ मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ी पार्किंग है, तो आज हमने यहाँ पर की है क्योंकि अरमान आ जाएगा तो जल्दी से लेकर आते हैं सामान। आज बहुत भीड़ है और मज़ा भी बहुत आ रहा है। अरमान के लिए फ्राइड फिश लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। थोड़ी सी फिश ले ली। आ जाओ साहब, कितना टाइम हो गया, अरमान ना आ जाए मेरे को। इतनी भीड़ होती है यहाँ पर भी, अच्छा मिलता सब। वापिस आते लेते हैं, आ जाओ। हाँ आ जाओ चलते हैं सब्जियों के पास, तो बहुत भीड़ है। कलरफुल वो वाटरमेलन भी आ गया, गर्मियाँ आ गई तो आज ये भी लेके जाएंगे। पहले वहाँ से ले आते वक्त ले लेंगे। आ जाओ, आपको भी सैर करवा देंगे, देखना टोमेटो कितनी। हाँ आ जाओ, क्या पता मीठा निकलेगा कि नहीं। हम लोग तो ऐसे लेते जैसे बड़ी गाड़ी भर कर नहीं लेनी। इधर देखिए मेरे हाथ भी फुल है, साहब के भी बग्गी भी फुल है, अभी जाके इतना वो होगा ना। आगे चल, लिफ्ट आगे चले। अभी मैं निकालती हूँ कि हम क्या क्या लेकर आए जल्दी से, और समेट के रखती हूँ सारा सामान। ताजी सब्जियों के पीछे हम कितनी दूर जाना पड़ता है, पर भूल भी जाते हैं जब अच्छी चीज मिलती है ना। क्यूकम्बर वगैरह बहुत अच्छा होता फ्रेश, और ये वाले टोमेटो मेरे फेवरेट। अवलीन को अंगूर पसंद है, अरमान को अंगूर पसंद है, यहाँ पर देते हैं वो 3 यूरो के एक डब्बा। देखिए तो मैंने कहा 4 ले लें, बच्चे खा लेंगे, मैं देखूं खाकर धोकर। मीठा मीठे मीठे अंगूर। एक जो पिछले बार बैंगन लेकर आई थी, साहब कहते वो ही लेने जिसकी हमने चटनी बनाई थी, बिल्कुल ताजे हैं। अगर मैं इनको 1 वीक या 10 दिन रखूंगी ना, कोई सब्जी खराब नहीं होती। ऊपर से आजकल साहब हमेशा ही सब्जी खाते हैं, रोटी तो बंद कर दी है, तो फिर यहाँ पर मिलती है, पर ये वाली जुकीनी नहीं मिलती, लाइट ग्रीन मेरे को ये पसंद है। और अवली ने एप्पल मंगाए थे, कल रो रही थी मम्मा कुछ तो ला दो अच्छे वाले एप्पल ला दो, पहले बंद हो गए थे सर्दियों में ना, अभी फिर से आने लगे हैं, तो वो भी ले आए, नाशपत्ती भी ले आए। और मेरे को लग रहा है कि मैं रखूंगी कैसे इतना सामान, ढेर सारा सामान होगा।
समझ नहीं आता, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, एक तो मैंने यहाँ पे रख दिया भरकर, अभी इधर भी पड़ा है, एप्पल पड़े हैं, नाशपत्ती पड़ी, हरा धनिया उसने इतना ज्यादा दे दिया। देखो, आज मैं लेकर आई हूँ मेरी वीकली शॉपिंग फ्रूट्स एंड वेजिस, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। देखिए कितना कलरफुल है ना, और कितना हेल्थी भी है, इसमें कुछ वो नहीं है। आजकल हम लोग हेल्थी खाना खाने लगे हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि हम 10 दिन में कौन सी सब्जियां खाते हैं। देखिए, तो अभी मैं शुरू करूंगी कि कितने पैसे का आया, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इंडिया के 1 यूरो 90 रुपीस बनते हैं, यहाँ का 1 यूरो इंडिया में जाकर 90 रुपीस होता है। तो ये मैं लेकर आई 2, आप लगा लेना 1.5 यूरो के 2 है, और ये है 1 यूरो की, और ये लगाया 2 यूरो का वाटरमेलन, और बैंगन लगाए 1 यूरो के, शिमला मिर्च भी 1 यूरो की है तो 90 रुपए की हो गई, अनियन भी 1 यूरो के हैं 90 रुपए के, ये बीन्स भी 1 यूरो के हैं, और एप्पल थे 4 या 5 यूरो के, क्योंकि 2 यूरो किलो लगाती है ना वो, या 1.5 यूरो किलो। और ये आ गए हैं अंगूर, ये उन्होंने दिए थे 2 डिब्बे 1 यूरो के, 4 थे वो मैंने मिक्स करके भर दिया, और क्यूकम्बर दिए थे 3 पीस 1 यूरो के, ये मैं लेके आई हूँ 2, ब्रोकली 1 यूरो की 1, और ये दूसरे वाले बीन्स ये भी 1 यूरो के, स्ट्रॉबेरी ली है, स्ट्रॉबेरी थी 2 यूरो की 1 पैकेट, और टोमेटो लिए थे, टोमेटो ये 2 वाले 1 यूरो के, और ये 1 यूरो का अलग अलग लिए थे, और ये सैलड लिया ये भी 1 यूरो का, जुकीनी ली थी 2 यूरो की, 3 पीस थे 1 यूरो के बिल्कुल फ्रेश, और मशरूम लिए 1 यूरो की, और देखिए कितने एवोकेडो मिल गए हैं ना, ये भी 1 यूरो के हैं, और कीवी भी 1 यूरो की है, और नींबू भी 1 यूरो के हैं, और क्या रह गया, हम ब्रेड लेके आए कॉर्न वाले मक्की वाले, ये उन्होंने दिए 6 पीस 2 यूरो के, बहुत टेस्टी है, अमलीन को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं क्या लेकर आई हूँ, और हरा धनिया देखिए कितना दिया है 1 यूरो का, 3 गुटियाँ दी हैं बड़ी बड़ी, तो काफ़ी दिन चल जाएगा ये हमारा सामान, देखने में कितना अच्छा लगता है ना। मैं हमेशा मिक्स वेजी बनाती हूँ साहब के लिए, उसमें एक जुकीनी डाल देती हूँ, जैसे बीन्स डाल दिए, ब्रोकली डाल दी, मशरूम्स डाल दी, ऐसे डालकर बना देती हूँ, तो आदमी बोर भी नहीं होता ना ऐसे, इसलिए मैं हम इकट्ठी लेकर आती। यहाँ पर आधा सामान तो मिलता नहीं, आधा ही मिलता है, और ऊपर से डबल रेट में मिलता है, ये 30 यूरो का होगा ना, वो इंडिया के 3000 रुपए बनता है, और यहाँ पर अगर हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने जाए ना तो रोज के 50 या 60 यूरो लग जाते हैं, और कुछ आता भी नहीं बस। तो आजकल हम ऐसे जाते, गर्मियों में तो मार्केट में सब्जियां बहुत अच्छी मिलती हैं और सस्ती भी, और अब तो ठंड भी नहीं है, यहाँ से 15 मिनट लगते हैं और फ्रेश सामान आ जाता है, और ये ख़राब भी नहीं होता, देख कर लेना पड़ता है ना ध्यान से, कभी कभी ख़राब भी बेचते हैं वो, क्योंकि 2 दिन का पड़ा होता है, तो हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं। और अभी मैं इनको संभाल दूँ जल्दी से, बहुत ही प्यारी लग रही है यहाँ पर रखी हुई, मन नहीं करता कि उठाऊँ, फ्रिज बिल्कुल खाली हो गई है, तो अभी मैं संभाल दूं इनको, फ्रिज इतनी भर गई है ना, सामान रखने की जगह नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी बस फ्रूट्स रह गए, सब्जियों को मैंने रख दिया, जो पुराना सामान था वो मैंने निकाल लिया, मैंने कहा ना वो ऊपर रख देती हूँ, वो पहले खा लेंगे, बस 1-2 एप्पल हैं और खीरे हैं, और तो कुछ नहीं, फ्रूटों से भी भर गई है। कल अवलीन बोल रही थी फ्रूट नहीं लेके आई मम्मा, तो आज वो खाना नहीं खाएगी, फ्रूट ही खाएगी, उसके फेवरेट है। आ गए, चलो देखे कौन आया पहले, अलीजा अवलीन आई होंगी लगता है, दोनों कौन आया।
आजो। आज मैंने मेरी ड्राइंग मेरी फ्रेंड को दिखाई, वो कहती बहुत ही अच्छी है। सारे कहते बहुत अच्छी है तुम्हारी ड्राइंग। हाँ बहुत अच्छे बनाते हो। गर्मी हो गई ना बाहर, अब कोट मत पहन के जाना, बड़ा कोट बेटा, गर्मी आ गई। आजो अबलीन, आज क्या लेके आए आपके लिए, देखो देखो कितनी सब्जियां लेकर आए। आजो आजो, एवोकाडो इधर रख देते हैं। हाँ जी हाँ, कीवी भी आई पुत्र। मम्मा बिस्कुट लेकर आई है। नहीं आपकी स्ट्रॉबेरी भी लेकर आई है, पहले आप खा लो। पहले मुझे वो ब्रेड लेना है। हाँ हाँ पहले ब्रेड बनाते, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। लास्ट में रह गई ग्रीन चिल्ली, ये मेरे को अभी मिली है, मैं ढूंढ रही थी, मैंने कहा कहाँ। और ये जो यहाँ पर मिर्च मिलती है ना, इसका नाम है मदम शनैप, इंडिया में भी शायद मिलती है, पता नहीं इसको क्या बोलती है, बहुत तीखी मिर्ची है ये तो। मैं इतनी सी, जितने मेरे नाखून है ना बस इतनी सी ले लो तो बस मुंह जल जाता है खाने में, पर बहुत टेस्टी लगती है। तो ये भी रख देती हूँ। अमलीना आप ब्रेड बना रहे हो? Yes, मैं चीज डालूंगी और फिर मैं एप्पल काटूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर कीवी रखूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी मेरा यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट। ओके ओके खा लो भाई, मैंने ऐसे रख दिया सारा, सब्जियों की रख दिया, पैकेट वालियों को नीचे रख दिया। वाटरमेलन, या वाटरमेलन यहाँ पर मैंने रखी है पैकेटों, यहाँ पर मैंने सैलरी रख दी है, बीन्स और अंगूर, शिमला मिर्च, हल्का हल्का सामान मैंने यहाँ रखा है, और फ्रूट मैंने इसमें रख दिए नीचे वाले में, खराब नहीं होते। ऊपर वाले में मैंने दूसरे अनियन वगैरह रखे हैं, और ऊपर हरा धनिया रखा है, इनको मैं काट दूंगी, काट कर ना फिर इसको हम डी में रख देंगे, फ्रीजर में रख देंगे। मेरा लंच मैंने सब आप फ्रूट करते हैं मेरे अपने हाथों से, आई स्वेयर मम्मा ने नहीं काटे, मैं हाँ खुद काट कर लाई है, यहाँ पर पड़ी है। ब्रेड सम चीज और अब मैं खाऊंगी, ये सारे मीट खा रहे हैं और आई फ्राइड फिश। अरमान खा रहा है, आ गया स्कूल से, अच्छा था, अच्छा निकला है वो कैडो। हाँ बहुत अच्छे निकले ना। अरमान को मैंने कहा थोड़ी देर बाहर लेकर चलते हैं, घूम लेगा अरमान। हे अरमान चलो 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 चलो, अरमान चलाएगा साइकिल, चलो चलो भाई चलो भाई। मौसम बहुत अच्छा है, अलीजा अवलीन चलेगी स्कूल, अरमान की होगी छुट्टी। इधर मोड़ लो, हाँ मोड़ लो, प्लेग्राउंड दिखाते, नया बन गया ये प्लेग्राउंड, नया बन गया, अभी तक बना रहे, फर्श लगाई है, बस घास लगा देंगे ना तब बच्चे खेल सकते हैं, बिल्कुल नया कर दिया, तब समर में बच्चे फुल एंजॉय करेंगे। हाँ चलो कहाँ जाना है, इधर आ जाओ। अरमान कहता मैंने यहाँ पर लटकना है, चलो भाई गिरना मत अरमान, गिर गया, बम पे लगा, आजो 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 आजो, इतना तेज से गए हो, चलो चलो आराम से करो बेटा, चलो 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 चलो। यो सामने स्कूल है ना, उसकी छुट्टी 2:30 बजे होती है, अलीजा अवलीन की 3 बजे। हम लोगों को ना दो स्कूल नजदीक है, एक ये वाला सामने वाला और एक अलीजा अवलीन का, यहाँ पर भी लगा सकते थे उनको, पर चलो वो यहाँ वहां पर जाती, अरमान का भी फार्म आ गया, अभी हमने भेज दिया, आज अरमान भी जाएगा अवलीन के स्कूल। पहले साहब कहते थे इधर लगा देते अरमान को, तो मैंने कहा नहीं, जब अलीजा अवलीन उधर जग गई है तो अरमान भी उधर ही जाएगा। ये भी अच्छा स्कूल है। मैं बना रही थी अलीजा का सूट, थोड़ा सा रह गया, देखिए गला बन गया, और बस अभी मैं ना ये लेस लगा रही हूँ, लेस लगा कर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। लेस का कलर बहुत प्यारा है, अलीजा कहती थी मम्मा मेरे लिए फ्रॉक बना दो, मैंने कहा नहीं बेटा कपड़ा ही नहीं बचा, अवलीन की फ्रॉक बन गई ना, तो आपके लिए ना मैं कमीज बना कर दूंगी प्यारा सा, तो मान तो गई है, अभी देखते हैं कैसा लगता है, आप लोगों को दिखाती हूँ। कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, ऑरेंज विद ब्लू। मैं ये साड़ी बहुत बड़ी थी, 8 मीटर की होगी, जो इतना कपड़ा बच गया, अभी अलीजा की कल ना मैं प्लाजो बना दूंगी उसके साथ पहन लेगी,
मेरे पास ऑरेंज कलर का ही लाइनिंग थी, अगर ना होती फिर तो इंडिया जाकर ही सिलाते, पर थी तो मैंने कहा चलो ट्राई क्यों नहीं करना, ट्राई करना चाहिए ना। तो बस मैं लेस लगा रही हूँ लास्ट में, फिर मैंने बनाना है खाना। अरमान बाबा चला गया अलीजा वलीम के साथ घूमने बाहर, अलीजा बड़ी है ना तो ले जाती है, प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा बेटा मैं आपका कमीज सी दूंगी, कल सैटरडे हो जाएगा तो फिर नहीं बना सकती, तो आज मैंने कहा आपका कमीज बना दूं मैं। ये बस फोल्ड करके ना ऐसे पूरी कर दूं इसको, फिर दिखाती हूं। सूट हो गया रेडी, मैंने चारों तरफ ना ब्लू कलर की लेस लगाई है, आगे भी और पीछे भी, देखिए सेम, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा प्यारा लगा, मैंने सोचा नहीं था इतना प्यारा बन जाएगा। यहाँ पर ना थोड़ा सा कपड़ा कम था, डॉट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा ऊपर लगा देती हूँ लेस, नीचे नहीं लगाऊंगी घेरे के, चाकों पर भी लगाऊंगी तो गले पर भी लगाऊंगी, बस तुरपाई रह गई है। कल बनाऊंगी लीजा का प्लाजो, आगे पीछे पूरा कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया, बहुत ही प्यारा बना, मेरे को तो ऐसे लग रहा है मैंने खुद क्यों नहीं बनाया इतना प्यारा सूट, पर बच्चों को भी चाहिए ना, ये 2 साल पहन तो लेगी अभी अलीजा। बच्चों को खाना डाल दिया, आ गए तीनों खेलने गए थे, चिकन बनाया और दही अरमान का, अलीजा अपना खाने लगी है और अरमान को खिला, ये कहता बाहर जाना, पड़ोसियों की लड़की आई थी तो वो अपने घर जाएगी ना, कहता वो हमारे घर पर क्यों नहीं आती। ये बसाकी की फोटो है, 2 साल अरमान रो रहा था, अरमान बेबी था, देखो कितना रो रहा था, दिखा ना, येलो कपड़े पहने मां के, ठीक है एक पापा की अलीशा दीदी अपनी देखो कैटनर्स की अरमान, अरमान की नर्स दीदी, अरमान की नर्स, हर एक चंद्र बेबी उसको रोटी खा, केक बेबी, अरमान की फोटो कितनी प्यारी है, ओ देखो लीजा की अरमान की, खुश हो गया अरमान, चलो अरमान को बल्कि रोटी दे, चलो हम लोग करते हैं डिनर, उसके बाद लीजा सूट पहन कर दिखाएगी ना, अरमान को खिलाते खाता है, उल्टी साइड बैठा है, खा लो बेटा आईपैड ले लो, खाना तो खा लो बेटा, गुस्से क्यों हो, अब ली मेरे को एक टिश्यू दो बेटा, मैं खिलाती हूँ इसको फिर मैं। खाना खा लिया तो मैंने कहा ये बलून्स उतार दो, क्योंकि अरमान के बर्थडे को आज एक वीक हो गया, कितने दिन रखेंगे डेकोरेशन, आ जाओ लीजा अवलीन फाड़ दो इनको, खेल लो इनके साथ, चलो तोड़कर करो इनका काम बेटा, हाँ ऐसे लगते पर माँ भी खेल लेगा, वो खेलो खेलो, मैं कैंची से काट देती हूँ सारे खोल दिए मैंने तो, ये ले लो, ये आदमी भी इसको तो खोल कर रख सकते हैं, तो मुंह से ही फुलाना है, मैं देखूं फूलता है कि नहीं, हाँ ये तो दोबारा से बन जाएगा, इसको तो मैं ऐसे रखूंगी किसी लिफाफे में डालकर ना, नेक्स्ट ईयर फिर से लगा लेंगे, चलो पकड़ो नहीं चलो अरमान देखो, चलो ये भी उतर गए सारे, अलीजा लफली आज तो कपड़े सूख गए, मौसम अच्छा था, कपड़े उठाती हूँ, यहाँ पर तो अंधेरा 8 बजे होगा, तो इसलिए हमने तो डिनर कर लिया, बच्चे थोड़ी देर खेलेंगे, हाँ आपकी सॉक्स वहाँ पर रखी है, ओके मैं ले लूंगी, अरमान बताता अवलीन अलीजा फोड़ दो बेटा, अरमान देखो डर भी लगता है, करो करो मेरे को भी लगता थोड़ा, अरमान को तो अरमान मिनट में कर देगा, ओह
आप भी करो, आप भी करो। ओथे हाथ चिकाके इधर पीछे। आ बड़े वाली, आप क्यों डर रहे हो? आप तो बड़े हो तीनों से। इधर आ जाओ। ये दूसरा है ना, वो दूसरे भी कर दो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, सब्सक्राइब करो। बाय बाय बाय।